और मौसम अभी यहाँ पे हो चुका है ख़राब थोड़ी सी, देख सकते हो आप इस तरफ को। और अब हम चलते हैं, देखेंगे आगे शिवखोली का व्यू, तो शिवखोली तक आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसा कैसा रूट हो रखा है यहाँ का, तो देखते हैं आगे। व्लॉग में बने रहें, तो इंट्रो तो मैंने दिया ही नहीं, तो नया इंट्रो बना देते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अतीश बिष्ट और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं, तो पता है आपको कहाँ जा रहे हैं, मतलब आगे बताता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं अपने सेटअप पे। तो भाई ये जा रही है मसूरी वाली रोड जो शिवखोली पर जाके मिलती है, और इधर से आ रहे हैं हम। तो यहाँ पे बढ़िया सा ये है जीपी होटल एंड रेस्टोरेंट, मस्त है भाई, काफ़ी बढ़िया वो मोड़ पे है। एक मिनट यार, ओहो कुमरा चिपक गया भाई पैर पे, वही तो बोल रहा हूँ खुजली कैसे हो रही इस पे, अभी लगी अपनी बिल्लो रानी लाइट पे। ऐसा बोलना कि 190 cc है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बिल्लो रानी लाइट। देहरादून 44 किलोमीटर है, मसूरी 18 और शिवखोली है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, और देखो कितने मस्त बन रहे हैं ट्रायंगल कॉटेज टाइप, सिंगल रूम है आई थिंक, डबल ऐसे कुछ है। यहाँ से पूरा 7 किलोमीटर न्यूट्रल ही है भाई, 1 रुपये का तेल नहीं लगेगा तुम्हारा। कोई भी जानकारी चाहिए गाड़ी से लेके, वहाँ पर होटल कॉटेज से लेके, होटल से लेके, रेंट में रूम से लेके, फुल पेते हैं आप। इतनी बढ़िया गाड़ी है ना, इसके बारे में बताऊँ आपको, वैसी गाड़ी में तो चाह रहा था और भी हो, मतलब कैसे मैं बता दूँ आपको। देखो अभी चाबी ऑफ है, ये देखो ऑफ है ना, सेल्फ मार रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, देखो चाबी ऑफ है अभी। अच्छा हमको सिखा रही है, ऑन करूँगा तो ऑन हो रही है, मतलब ये देखो पढ़ रहा है सेल्फ, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ऑफ में सेल्फ मार रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। ओ भाई पॉल्यूशन करवा ले भैया मेरे, अरे देखो कितना बढ़िया, ऑन करा चाबी निकाल दी, ठीक है गाइस। देखा आपने, बहुत कम देखा होगा, वैसे देखा तो होगा, तो देखा है तो कमेंट करना किस किस के साथ हो रहा है ऐसा। तो अब सेल्फ मारा, देखो बिना चाबी की चल रही गाड़ी, ये देखो चाबी मेरे हाथ में है, और देखो पूरा कॉलम खाली, ऐसे नहीं कि दूसरी चाबी लगा रखी हो मैंने, देख लो भैया पूरी चल सकती है गाड़ी पूरी, तुम कहीं भी ले आ लो, तुम इसे 7000 किलोमीटर दूर ले आ लो, केदारनाथ तक का ट्रैक करा लो इस गाड़ी से तुम, देख लो भाई चाबी मेरे हाथ में है, देखो लेफ्ट हैंड में, देखो ऐसा भी नहीं बोल सकता कोई कि दूसरी चाबी लगी, देख लो आप वीडियो में प्रूफ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो बंद कैसे करेंगे, बंद तो होगी नहीं यार, ये हो जाती वैसे अपने आप ही, हम ऐसे चाबी डालेंगे बंद हो गई। ये फ्रंट टायर का बढ़िया सा लगता है, मतलब थोड़ी हार्ड सा, कैची सा, थोड़ी टाइप जो पकड़ने में ऐसे वो ना हो, पर इसका जो आगे का मटेरियल है, मान लो कि जो आगे की बॉडी टाइप है टायर से लेके ऊपर, तो अगर आप ऐसे लेटा रहे हो ना गाड़ी, तो एकदम ऐसे, मतलब बहुत लाइट स्कूटी है जिसे बोलते हैं, पर भाई जान स्कूटी में इतनी है कि खुद ही 190 cc की है, तो ये अपने 4 गुना, मतलब लगा लो 100 किलो की स्कूटी है, तो 400-500 आराम से उठा सकती है, आराम से, कोई शक ही नहीं है भाई, क्योंकि हमने ट्रायल खुद करा हुआ है इसमें। जनता माफ नहीं करेगी, इतनी बढ़िया स्कूटी, और माइलेज देखोगे ना भाई, माइलेज डीओ के बराबर कोई स्कूटी नहीं, सारी स्कूटी फेल है, जुपिटर से लेके एक्सेट्रा जितनी भी, कौन से हम चल चला, ज़्यादा फेमस जगह नहीं है पर मतलब जगह का नाम है, देखो बोल रहा हूँ चल चला, यहाँ से नीचे से मारा नहीं होता, तो भाई जो मजा था ना उसको कुछ बोल नहीं सकता। ये देख सकते हो आप, देखो क्या बढ़िया व्यू, इतने मस्त शेप में कटे हुए पहाड़, भाई क्या ही बोल रहा हूँ, ओह हमें तो व्यू नहीं है, मारेंगे हल्का सा, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया वो नहीं है ना, लीन मारने का अपनी अगर एक्सेस होती था
एक्सेस लेट की होती हमारी। ओए बच गया यार, लेट गई थी गाड़ी, इसलिए थोड़ी इसके डिसएडवांटेज है। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, अगर इसके थोड़ी आगे में वेटेज का काम हो जाए थोड़ी, तब बढ़िया बन सकती है। इसमें मॉडिफिकेशन अपना पर्सनल हिसाब से, तब बढ़िया हो सकती है गाड़ी। देहरादून या दिल्ली, और दिल्ली वालों ने ज़मीनें ले ली है और बना रहे हैं अपना ये होटल्स वगैरह बड़े बड़े। देखो तगड़ा कंस्ट्रक्शन होगा। आप इस रूट से आ रहे हो तो यहाँ से आपको सिर्फ सो खुली के आगे, मतलब लगा लो सो खुली में मिलेगा पेट्रोल पंप। हम तो पेट्रोल का जुगाड़ पूरा रखें पूर्व अपने पे पहले से। क्योंकि यहाँ का पेट्रोल पंप नहीं है पूरे चम्मा तक, ठीक है भाई, इसलिए बोल रहे हैं कि हम रिजर्व में भी रखेंगे, देख लेंगे भाई डलवाना है डलवा। हमने काफ़ी बार ऐसे फेस कर चुके हैं कि भाई जो जिसके साथ हुआ होता है ना उसे पता होता है कि क्या होता है। सुबह खोली टीजी जीप परेड स्थल 58 किलोमीटर पड़ रहा है पूरा। बोटिंग वगैरह वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ है वहाँ, वहाँ के भी ब्लॉग बना रखे हमने, ज़रूर चेक करें आप और देख लिया हो तो शेयर कर। हम अगर वहाँ गए हों तो अगर कोई जानकारी चाहिए आपको वहाँ से रिलेटेड, ठीक है भाई, टीजी लेक से रिलेटेड भी, मतलब बोटिंग कॉटेज वगैरह फ्लोटिंग हट्स किसी चीज़ से भी, स्टे नाइट स्टे डे स्टे, मतलब एक हफ्ते का स्टे एक महीने का स्टे, जितना भी कुछ आपको पता करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हैं आप। मुझे सारी डिटेल वहाँ बता दूँगा मैं। तो भाई आपके डीएम को इग्नोर नहीं करूँगा, एल्टीट्यूड 22 किलोमीटर है देहरादून पड़ोसी, तो मैं आपके डीएम को इग्नोर नहीं करूँगा भाई, पूरा टाइम दूँगा इस बात। और ये है सुबह खोले का मार्केट, यहाँ पहुँच चुके हम सुबह खोले पर, और ये राइट साइड को जा रही है थर्टी वाली रोड जो दीवार सारे टेम्पल मिले जाती है, और एक ये है भाई मसूरी का रोड। ओह भाई 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 भाई, ये सोखोली का जो आपने व्यू देखा ये था भाई सोखोली मार्केट। और अब यहाँ से आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, और कितना बढ़िया हो रहा है यहाँ से सिलाई जा रहा है, जो कोहरा जा रहा है वाइट फॉग, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सावधान मार्ग सकरा है, कृपया धीरे चलें। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, तो तब तक कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग के साथ, और जहां का ब्लॉग चाहिए कमेंट डाउन। बाय 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 फ्रॉम सुबह खोली, आगे मार संकरा है, कृपया सावधानी पूर्वक। We'll be right back.